ए बी सी क्लियर बी के सामने के साइड्स को बी लेते हैं ए के सामने साइड्स को ए सी के सामने के साइड्स को सी ओके एंड हेयर वी हैव बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट मींस की बी इज द हाइपोटेनस, ठीक है इनर ट्राइंगल एंड इट फॉलो पाइथागोरस रूल ओके सो वी हैव दिस इक्वेशन लेट दिस इक्वेशन एज अ पर्सवन नाव टेन ए प्लस टेन सी क्वल टू टेन ए का वैल्यू क्या होगा टेन ए को आप कंसिडर कर रहे हो That means कि A के सामने वाले को opposite लेना है एंड दिसडी बेसोन ए अपॉन सी सिमिलरली टेन अपॉन एयर एल्सियम इज ए इन टू सी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर And here a square plus c square is already given, it is equal to b square. So we can write b square upon ac. Okay, so your fourth option is your answer. Okay, everyone, let's move to the next question. In this question, we have angle of elevation of the top of the tower from three points which are collinear a, b, and c on a road leading to the foot of the tower. Are thirty degree, forty five degree, and sixty degree respectively. So the ratio of AB and BC is. So in this question, we have three points which are collinear on a road. Suppose that it is A, B, and C. and at a certain distance from the tower. Okay. Now draw the figure like this, and join all the points. Okay. ज्यूम दैट द हाइट ऑफ टावर इज एच एंड द नेम ऑफ इट इज डी एंड ई ठीक है क्या करना है आपको पहले ये एंगल थर्टी डिग्री दे रखा है यह एंगल फोर्टी फाइव डिग्री है और यह एंगल सिक्सटी डिग्री है आप टावर के जितना पास जाओगे एंगल उतना ही बढ़ता जाएगा ठीक है तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड In triangle dAE tan 30 degree. Tan 30 will be dE upon AE, right? So tan 30 is nothing but 1 by root 3 and it is equal to h upon AE. So AE will be nothing but h times of root 3, right? Similarly, we can find tan 45 degree. Tan forty five degree will be equal to DE upon BE, right, everyone? So tan forty five is nothing but one, and DE is H and BE, okay? So we can write BE is equal to H, okay? And the third one is tan sixty degree. You have to find tan sixty. Tan sixty will be again. You can write DE upon CE, okay?

If you want to find BC, you have to subtract CE from B. You can write BE minus CE. Right, everyone? And what do you have to find the ratio. So AB upon BC is equal to A is already given H root three minus BE is H upon BE.

फॉर्मूला आपको सारे पता होने चाहिए के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज आप इस पर वर्क करो ठीक है देखो वी हैव डिग्री 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 ठीक है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करना होता है इन दोनों का सम देखना होता है ये सम और ये सम इन दोनों सम एंगल का सम कितना है आपके पास ठीक है ट्वेंटी सेवन प्लस क्या मिलेगा आपके पास अगेन नाइनटी डिग्री मिल रहा है तो जिसका डिग्री है उन दोनों टर्म्स को आपको एक साथ सॉल्व करना है तो वी tan माइनस टेन ट्वेंटी सेवन डिग्री प्लस टेन सिक्सटी थ्री डिग्री ठीक है ऐसे हम लिख सकते हैं टेन एटी वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कॉट एटी वन डिग्री का कॉम्प्लीमेंट नाइन डिग्री ठीक है प्लस टेन नाइन डिग्री सिमिलरली यू कैन राइट टेन ट्वेंटी सेवन प्लस टेन सिक्सटी थ्री सो जस्ट राइट टेन ट्वेंटी सेवन एंड कन्वर्ट टेन सिक्सटी थ्री इंटू इट्स कॉम्प्लीमेंट तो ये क्या मिलेगा कॉट ट्वेंटी सेवन डिग्री ठीक है यू कैन राइट इट लाइक दिस कॉस नाइन डिग्री अपॉन साइन नाइन डिग्री ठीक है एंड सिमिलरली हेर साइन नाइन डिग्री अपॉन कॉस नाइन डिग्री माइनस साइन ट्वेंटी सेवन डिग्री अपॉन कॉस ट्वेंटी सेवन डिग्री प्लस कॉस ट्वेंटी सेवन डिग्री अपॉन साइन ट्वेंटी सेवन डिग्री ठीक है तो यहां से आप कैसे सॉल्व करना है यू जस्ट हैल्टीप्लाई वेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट कॉस स्क्वायर नाइन डिग्री प्लस साइन स्क्वायर नाइन डिग्री और आपको पता है क्या पता है साइन स्क्वायर ठीठा प्लस कॉस्वायर ठेटा ये आइडेंटिटी होता है विच इज इक्वल टू वन सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट वन अपॉन साइन नाइन डिग्री इंटू कॉस नाइन डिग्री देखो ये आप कैसे पता चलेगा जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा ठीक है फॉर्मूला नहीं याद होगा आपको बिल्कुल नहीं पता चलने वाला कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो ठीक है सिमिलरली यू कैन राइट हेयर साइन स्क्वायर ट्वेंटी सेवन प्लस कॉस स्क्वायर ट्वेंटी सेवन दिस विल बी वन अपॉन साइन ट्वेंटी सेवन इंटू कॉस्ट ट्वेंटी सेवन ठीक है यहां पर भी एक फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं और वो फॉर्मूला है क्या होता है है ठीक तो ये पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं तो ये कैसे यूज होगा साइन थीटा इंटू थीटा यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय टू राइट तो यहाँ पे भी टू होना चाहिए व्हेन यू आर डिवाइडिंग इट बाई टू इट बाय टू ठीक है सिमिलरली है मल्टीप्लाई बाई टू नाउ यू कैन यूज फॉर्मूला टू अपॉन साइन एटीन डिग्री एंड यू कैन राइट टू अपॉन साइन फिफ्टी फोर डिग्री. राइट ओके यू कैन टेक कॉमन टू जब टू कॉमन हो जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा साइन फिफ्टी फोर डिग्री माइनस साइन एटीन डिग्री अपॉन साइन एटीन डिग्री इंटू साइन 54 degree. Right everyone. Now you can use the formula of sine a minus sin b. I hope you know the formula of sine a minus sine b. Sine a minus sine b is equal to 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2. Right. This is the formula for this one. Okay. So you can write. टू इंटू टू कॉस थर्टी सिक्स है ना ए प्लस बीवाई टू करने पर इंटू साइन एटीन डिग्री डिवाइड बाय साइन एटीन इंटू साइन फिफ्टी फोर डिग्री साइन एटीन टू साइन एटीन कैंसिल टू टू या फोर हो जाएगा नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ

So, if you are preparing for MC entrance 2022 and 2023, you can contact us for live classes, classroom books, mocks, GD, VAT interview, and mentorship. You can call for online or live classes double eight two eight five eight one four double five. So, if you are Mumbai based, you can join our classroom coaching at Mumbai. You can call Borivali Center, Vasai Center, or Dada Center. So, please like, share, and subscribe our youtube channel and join us on our social platform like facebook instagram and telegram please check the link in the description for more details thank you